नमस्कार सभी लोगों को, मैं रोहित कौशिक और आज आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्षा होने के बाद फसलों में जिसे हम ब्लैक स्पॉट कहते हैं या ब्लैक रॉट कहते हैं, वो समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। अभी टमाटर, शिमला मिर्च इत्यादि जितनी भी सब्जियां लगी है उसमें काली डंडी आने की संभावना बनी रहती है। तो प्राकृतिक उपाय क्या है? प्राकृतिक खेती में लस्सी को बहुत ही कारगर माना गया है फंजीसाइड के रूप में। अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसको बनाने की विधि अलग है, और अगर आप ड्रिंचिंग कर रहे हैं तो आप प्योर डाल सकते हैं, वो भी अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन जैसा माध्यम है, क्योंकि साथ में पानी भी चल रहा होता है। और आप देखें तो इस तरीके से ये जो है इसकी एक एक बूंद पौधे की जड़ में जाकर के पौधे को रोकती है अन्य बहुत से रोगों से, जैसे कि नेमाटोड एक प्रमुख रोग है जो कि कैप्सिकम में आता है। इसके अलावा जो टहनी है वो काली पड़ जाती है। इसके बाद हम इसमें इस वाले खेत में ड्रिंचिंग करेंगे। आशा करते हैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्राकृतिक दवाएं किसी किसान भाई को चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ये 5 तरह की प्राकृतिक दवाएं बनाता हूँ, जिसमें 2 तरह की फंजीसाइड हैं, 2 तरह की टॉनिक है, 3 तरह की कीटनाशक है और वर्मी कंपोस्ट भी अवेलेबल है। यूरिया के तौर पे वर्मी कंपोस्ट का उपयोग या घनजीवामृत का उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। धन्यवाद।